आज हम बनाएंगे राजमा। वाह, कितना स्वादिष्ट राजमा। ओ माय गॉड, इसका कलर आप लोग देख सकते हो, कितना सुंदर कलर इसका आया है। पूरे रेस्टोरेंट के जैसा मैंने राजमा बनाया है, तो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। एक बार आप लोग भी ऐसे बना के देखिएगा, मेरा पक्का वादा है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग। ये मैंने लिया है 2 लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्चा, टमाटर है। आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जितना आपका राजमा है, जितना आप लोग के फैमिली, आप कितना बनाना चाहते हो ले सकते हो आप लोग। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया, सारे चीज़ मैंने कट कर लिया है, लहसुन मिर्चा सब, प्याज अदरक सब कुछ। तो ये मैंने लिया है दालचीनी और इलायची है, लौंग है। तो गर्म तेल में हम लोग पहले डालेंगे जीरा को। जीरा हम लोग पहले थोड़ा सा डालेंगे, अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, थोड़ा ब्राउन होगा जीरा। फिर उसके बाद ये लौंग, इलायची, दालचीनी हम लोग डालेंगे, इसको भी थोड़ा सा ब्राउन करेंगे हल्का। फिर इसके बाद हम लोग डालेंगे अपना कटा हुआ प्याज, प्याज और मिर्चा जो मैंने काटा हुआ था। तो इसको हम लोग अच्छे से चलाएंगे, थोड़ा हल्का ब्राउन करेंगे, एकदम आपको जलाना नहीं है, बस ब्राउन करना, हल्का ब्राउन, धीरे धीमी आंच में आप लोग पका सकते हो। फिर मैंने डाला मिर्चा, इसको भी अच्छे से आप लोग चला लीजिए। फिर मैंने लहसुन डाला, ये भी हल्का ब्राउन आपको करना है, एकदम जलाना नहीं है, ध्यान रखना, वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसको चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। ओह माय गॉड, कितना गर्मी था, इस गर्मी में मैंने राजमा बनाया। तो देखिए हल्का ब्राउन हो गया मेरा। तो अब मैं डालूँगी अदरक का पेस्ट। आपको अदरक पेस्ट, आपको कटिंग नहीं करना, इसको अदरक का पेस्ट बनाना है आपको। पेस्ट करके मैंने इसमें डाल दिया, इसको भी हल्का ब्राउन करेंगे हम लोग, ताकि अदरक अच्छे से भून जाए। फिर उसके बाद हम लोग टमाटर डालेंगे, जो हम लोग कटिंग किए थे टमाटर को, वो डालेंगे टमाटर। इसको भी अच्छे से चलाएंगे, हल्का हल्का चलाते 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 चलाते। फिर मैंने डाला जीरा पाउडर, इसमें आप लोग जीरा पाउडर डालिए। फिर मैंने डाला हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर डाला के अब हम लोग अच्छे से चलाएंगे। फिर मैंने डाला गर्म मसाला, थोड़ा सा आप लोग गर्म मसाला डालेंगे तो अच्छा स्वाद आएगा इसमें। तो मैंने डाल के अच्छा से भून दिया। अब मैंने थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा, आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना, पहले थोड़ा सा, पहले मैंने भून लिया, फिर थोड़ा सा और पानी डालिए इसमें, उसके हिसाब से हो, थोड़ा टमाटर के ऊपर पानी हो, ताकि वो गले अच्छे से। फिर ये मैंने डाल के फिर मैंने कुकर बंद कर दिया। हम लोग इसको 2 सीटी दिलाएंगे, जब तक टमाटर गल ना जाए उसमें, क्योंकि हम लोग आधा आधा टमाटर देंगे इसको ना, तो गल जाएगा। तो ये देखिए मैंने राजमा भिगोया था, फूल के बड़ा बड़ा हो गया है, तो मैंने राजमा बॉईल नहीं किया। अब देखिए मैंने कुकर खोला तो टमाटर पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है सब कुछ। अच्छे से आप इसको कूच लीजिए, अपने जो करछुल से कूच लीजिए अपने। तो ये देखिए टमाटर भी पूरा गल चुका है, लहसुन जितना था। अब इसमें डालेंगे राजमा, अब इसको अच्छे से हम लोग चलाएंगे। आपको पानी एक्स्ट्रा नहीं डालना, इतना ही रखना है, क्योंकि ये पहले से पक चुका है, वरना अच्छा नहीं लगेगा आप लोग को। तो इसमें डालेंगे आप थोड़ा सा भी पानी, अपने हिसाब से डाल सकते हो हल्का। अब फिर डालेंगे हम लोग थोड़ा हल्का सा नमक, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जितना आप लोग खाते हो, ज़्यादा या थोड़ा। हम लोग तो थोड़ा ही, थोड़ा कम खाते हैं नमक, थोड़ा कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से डाला है। तो इसको भी मैंने सीटी दिला दिया, इसको 5-6 सीटी आपको दिलाना है, क्योंकि राजमा मैंने पहले से बॉईल नहीं किया था, तो इसलिए 5-6 सीटी दिलाया मैंने। तो ये देखिए हम लोग का राजमा हो गया रेडी। अब हम लोग डालेंगे इसमें ये क्या बोलते हैं इसको, सॉरी फ्रेंड्स, मैं भूल गई थी इसका नाम क्या है, अभी याद आया मुझे, कस्तूरी मेथी। तो हम कस्तूरी मेथी डालेंगे इसमें, तो उससे स्वाद आता है। तो ये देखिए हमारा राजमा हो गया रेडी। ओह माय गॉड, कितना स्वादिष्ट राजमा मेरा बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय, लव यू।